गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम लोग दिल्ली में त्रिवेणी आर्ट गैलरी पे हैं. दिस इज नियर टू द मंडी हाउस मेट्रो. दिस इज द प्लेस वेयर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज देयर एंड एवरीथिंग इज देयर. द आर्टिस्ट वर्ल्ड जो भी. अब हमारे साथ एक आर्टिस्ट हैं, जलंधर से आए हुए हैं, बट अभी इनका बैकग्राउंड मैंने जाना तो ही इज बेस्ड आउट ऑफ फ्रांस, पेरिस में. एंड इन्होंने आई थिंक पैशन जो हम लोग ने इनका देखा, जो हमें एकदम खींच लाया इनकी तरफ, अर्बन लैंडस्केप जो इन्होंने वाटर कलर से करा है, उसमें मतलब नॉर्मल पर्सन उसको दूर देखेगा तो वही विल फील कि रियल बिल्डिंग्स या जो भी इन्होंने करा है वहाँ पे है. हमारे पास आर्टिस्ट जो खड़े हैं, इनका नाम है यशवीर राज. तो आप तो अपना इंट्रोडक्शन तो हिंदी में, इंग्लिश में, और फिर आप इटालियन और जो भी भाषा में बोलना चाहें अपने दर्शकों के लिए. तो सर, मैं पहले बेस्ड, जो स्टार्टिंग है मेरी इंडिया से हुई है, पंजाब से, अरिशम चित्र का. उसके बाद मैं मूव हो गया 2007 में इटली में. तो वहाँ इटालियन से मुलाकात होने के बाद उनके एक ग्रुप में काम करना स्टार्ट कर दिया. तो उनका नाम मारियो गोनल्वेती है. मैं उनको सलूट करना चाहूँगा सबसे पहले. तो इटालियन लैंग्वेज में शाओ मारियो सो क्वेस्टो यो सोनो जस्वीराम सो ला मिया ओजी मिया उना उना मोस्त्रा दियाते ला न्यू दिल्ली गैलरी नो मिया त्रिवेणी सो यो सोनो की फसेल उना मोस्त्रा क्वेस्टो सोलो पेटा. तो फिर मैं वहाँ से मूव हो गया. तो अब हम हिंदी में बात करते हैं. ठीक है, आपने जो बोला मैं कुछ कुछ समझ पाया कि आपने इंट्रोडक्शन उनको करके बताया कि आपकी एग्जीबिशन सोलो शो दिल्ली में त्रिवेणी में कर रहे हैं आप, और उनको आपने ग्रीट करा जैसे होता है अपने एल्डर्स को करते हैं. हाँ, बस उनको मैंने सलूट किया क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया. यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा भी था मेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसे वगैरह कुछ भी नहीं. उन्होंने इतनी मेरी हेल्प की है ना, जैसे एक दादा अपने पोते की हेल्प करता है, वैसे ही उन्होंने मुझे वहाँ रखा, वहाँ काम करने का मौका दिया. मेरे हाथ में ब्रश देने वाले दोबारा वो इंसान है. तो वो भी एक उनका भी. हम लोग चाहेंगे कि आप हमें उनकी एक फोटोग्राफ या कोई वीडियो शेयर करें जो हम लोग इस वीडियो में मर्ज कर पाए. आज उनका भी जो एग्जीबिशन है ना वो इटली में हो रहा है. उन्होंने मेरे भी एग्जीबिशन बहुत से करवाए इटली में. तो मैं कुछ आर्ट के बारे में कहूँ कि ये वो कला है जो आदमी को जिंदा रखती है. आप कुछ भी करो, कहाँ भी रहो, यदि आप में संगीत है तो वो कहीं ना कहीं उम्र के बाहर आ जाएगा. यदि दर्द है तो भी बाहर आएगा, यदि हंसी है तो भी बाहर आएगा. पेंटिंग भी ऐसी है. जब आर्टिस्ट अपना काम करते हैं तो पहले तो जैसे मैं फ्रांस में घूमता था तो मेरा आर्ट से कनेक्ट टूट गया. वो परिजन हो जाते हैं कि आपको कमर्शियल काम करना पड़ जाता है या कुछ फैमिली प्रॉब्लम. लेकिन जो आपके अंदर आर्ट छुपा हुआ है वो बाहर कैसे आएगा? वो आप नेचर आपको जब आपको विजिट करोगे तो आपकी आँख खोज लेगी. नेचर जो स्पॉट है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. जहाँ मैं कमर्शियल काम किया करता था वहाँ एक स्टैचू था. वो स्टैचू क्या था जो मेरे को ऐसे लगता था कि यार आज पेंट करूँगा, नहीं आज नहीं होगा. करते करते 3 साल गुजर गए, उस स्टैचू को पेंट नहीं कर पाया, ब्रश नहीं उठा पाया, क्योंकि मजबूरी जो होती है आदमी को कहीं ले जाती है. उसके बाद मेरा एक दांत निकल गया, और ये एक इंसिडेंट और एक वो भी है, रियलिटी है. तो मेरा दांत निकल गया. मैंने सोचा कि भाई बाल तो पहले चले गए, अब दांत भी चला गया. मुझे दिल लगा आपने वो यूल ब्राइनर जो एक बड़े फेमस हॉलीवुड स्टार थे और इटालियन कल्चर से आपने ये सोचा था ना कि यू हैव गॉट अ गुड हेड. नहीं, नेचुरली हैपन हुआ मेरे साथ. हाँ हाँ, ठीक. तो मेरा दांत निकल गया तो मैंने सोचा भाई बाल गए, लाइफ में जो भगवान ने आपको दिया उनमें से चीज़ें धीरे धीरे जा रही है. वो स्टैचू से कन्वर्सेशन हो रही है आपकी. एक आप मैं सामने खड़ा हूँ स्टैचू के, तो वही मेरी कन्वर्सेशन हो रही है कि यार बाल भी चले गए, दांत भी चला गया. तो कब आप अपना आपको रिकॉग्नाइज कब करोगे, कब स्टार्ट करोगे? वो स्टैचू मुझसे पूछ रहा है. आप उधर जाके यू आर स्पेंडिंग टाइम. उसी दिन मैंने अपना कमर्शियल काम स्टॉप कर दिया. ओके. स्टॉप करके मैंने ब्रश के लिए
वहाँ से पेपर लिए तो काम स्टार्ट कर गया, तब से मैं अब तक रुका ही नहीं। ओके, आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग जैसे वो पेंटिंग आने में? जी, वो ट्रेनिंग मेरी मारियो बोनलबर्ग थी, रेशम चित्रकार, एक साउथ कोरिया की आर्टिस्ट है हेजिन पार्क, जो हेजिन पार्क है उन्होंने मुझे सिटीस्केप में बहुत ज़्यादा परफेक्शन दी कि आप कलर को ऐसे रखो, आप कलर को ऐसे रखो। वो हमारी कन्वर्सेशन होती थी जस्ट फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर मैसेज एक दूसरे को भेजना कि नहीं यार जसवीर ऐसा करो ऐसा करो, तो ऐसे ही मेरी कन्वर्सेशन होती थी मास्टर रेशम चित्रकार, वो कनाडा में रह रहे हैं, तो वहाँ से ही वो मुझे सुजेस्ट कर रहे हैं जसवीर यार कंपोजिशन ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो। वो करते करते मेरे में जो कमियाँ ज़्यादा थी उन्होंने कम कर दी, तो वो उसका नतीजा है कि आज मैं दिल्ली में एग्जीबिशन कर रहा हूँ। नहीं, इट्स वेरी गुड। आई थिंक दिल्ली वाले इस टाइम कोरोना पैनडेमिक जो चल रहा है उसमें लोग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई अट्रैक्शन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ से लोग आ रहे हैं। हाँ, एक बात मैं बोलूँ, कल सर नेगोशिएशन के लिए उत्तम चेन्नई जी यहाँ आए, उन्होंने मुझे बहुत, पहले तो बहुत अच्छा लगा उनकी बात सुनकर, उन्होंने एक मैसेज दिया कि ये कोरोना तो आते जाते रहेंगे, ऐसी ना जाने कितनी बीमारियां आई आदमी की लाइफ में, आई और चली गई, लेकिन ये आर्ट नहीं रुकना चाहिए। ठीक, तो उन्होंने जो मैसेज दिया था वो मैसेज मन में मेरे पहले ही चल रहा था कि स्टार्टिंग कौन करेगा, गैलरीज right. बंद है, यदि yes. हम एक स्टार्टिंग करेगा तो कितने आर्टिस्ट हैं वो कम से कम उनका जो मोटिवेशन उनको मिलेगा वो काम करने की हिम्मत जुटा पाएंगे, और जो विजिटर है वो घर से बाहर निकलना शुरू करेंगे, तो कोविड ही तो अब जा ही रहा है right. तो स्टार्टिंग करने से हर आदमी डर रहा है, हर लोग डर रहे हैं right. कि यार लॉस चला जाएगा, लॉस इसमें क्या होगा right. कुछ में आप जो कलर बोल रहे थे ना, आपके जो कोरियन जी, आपने जी. बोला उन्होंने, और वो जो अपने कनाडा वालों ने आपको कंपोजिशन, तो कलर में अभी तो सब कंप्यूटर पे पिक्सल्स और सारा चीज़ आप टोन चेंज कर सकते हैं है ना, बट एज एन आर्टिस्ट तो आपके पास जो हम लोग ने भी बचपन में ये जो आपका कलर्स हैं, लिमिटेड कलर्स होते थे ना, या तो इंद्रधनुष की तरह है, सात कलर हैं, उसके बाद अब रेड है, अब आपका इसमें मतलब नहीं तो नॉर्मली कई जगह होता है कि रेडिश वुड टोन होता है जी, अब आपने आर्ट जो ब्रिक वर्क करा है जी, तो उसमें आपने रेडिश नहीं करा है, उसको मैं आपके नज़र से शायद पता नहीं ब्राउन। अब देखो इसके बारे में मैं थोड़ा करूँ जी, तो आपका जो सवाल था कि कलर जैसे रेड कलर है उसको मैं पेंटिंग में नहीं देखा, तो देखिए ये आर्टिस्ट की एक नज़र होती है देखने की, कोई किसी को कलर रेड पसंद है, किसी को येलो, किसी को कुछ, तो जो आर्टिस्ट होता है ना उसका एक अलग विज़न होता है, वो आंख धुंधली कर कर देखता है तो उसको फॉग सी दिखती है, वो थोड़ा सा आंख को और शार्प करता है तो उसको वो कैमरे जैसा दिखता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आर्ट जो आर्टिस्ट है वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं कौन सा कलर लगाऊँ। कलर पैलेट है ना जो सभी के लिए बहुत मुश्किल सवाल है, आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ चार पांच कलर लेकर उनमें से ही काम कर रहे हैं। तो मेरा ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है, इसमें मैंने ग्रे टोन आपको देखने में मिलेगी, आपको ग्रे टोन मिल जाएगी, तो ग्रे के तीन चार कलर कंपनियां देती हैं, तो इस कलर को मैंने एक्सपेरिमेंट किया, चार कलर मिलाकर एक ग्रे टोन बना ली, तो उसकी सिर्फ टोन वैल्यू कम और ज़्यादा कर दी, तो उस पेंटिंग का ये नतीजा है। तो पेंटिंग में रेड कलर ब्लू कलर वो एक हैच पैच, वो एक स्टूडेंट लेवल पर रह जाती है right. जब वो आर्टिस्ट उसमें इवॉल्व होता है तो वो चेंज होता है ना उम्र के हिसाब से, जब आदमी बच्चा है ना, बच्चे को रेड चीज़, ब्लू चीज़, ग्रीन चीज़, ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करेगी right. वो दौड़ेगा उनकी तरफ जैसे एप्पल रेड है और वो ऑरेंज, जैसे जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती जाएगी ना उनमें कलर पहनने का और कलर को समझने की चेंजेस आते जाते हैं right. तो थोड़ा लाइट लेने लगता है तो आखिर में सफ़ेद की तरफ ही जाता है, सफ़ेद में सिमट जाता है राइट right. मैं अभी मेरी नज़र आपकी
पेंटिंग में पड़ी है हॉर्सेस, तो शायद अपन लोग एक बार ब्रेक करके उधर चलते हैं। जी सर, जी जो मेरा काम है ना, इस बिल्कुल ऐसे ही काम मैंने एक सीरीज बनाई थी, तो वो सीरीज में मैंने 10 काम दिए थे हॉर्सेस पर, जो फ्रांस का ट्रेडिशनल है, वहाँ हॉर्स पे राइडिंग करके लोग सवारी करके इधर उधर जाते हैं, विजिट करते हैं उसको, वो थोड़ा पुराना हो गया। तो एक दिन मैं पेंटिंग कर रहा, मेरे सामने बिल्कुल हॉर्सेस आके खड़े हो गए, तो मैंने बिल्कुल जितनी जल्दी हो सका उनकी मैंने फ़ोटो क्लिक की। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नया जो आर्टिस्ट है, लैंडस्केप भी बनाए जा रहे हैं, जो बना रहा है नेचुरल लैंडस्केप वो नेचुरल, जिसको हट बनानी आ गई वो हट के ही काम करेगा, जिसने सीस्केप बनाना शुरू कर दिया वो सीस्केप बनाएगा, वो अपना जोन नहीं तोड़ रहा। जहाँ तो वो मशहूर हो गया उसकी वजह से इसके लिए नहीं, जहाँ फिर उसका वो रेगुलाइज हो गई, रेगुलाइजेशन हो गई इसके लिए नहीं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने सोचा कि आदमी के वो रिस्क ले नहीं रहे, बाहर नहीं निकल रहे उससे, तो और भी चीज़ें हैं पेंट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने इस सीरीज पे काम किया, तो इसमें मैंने बहुत सारे, देखो ये स्ट्रगल है, इस पेंटिंग का टाइटल है ना, जो स्ट्रगल है इसमें, तो वैसे ही हम अपनी लाइफ में देखते हैं, तो मैंने इनकी लाइफ में देखा, तो ये पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की, तो मैंने फिर ऐसा काम करना शुरू कर दिया। अभी जो इसमें हॉर्स है और इसमें आप बोल रहे थे कोई मैसेज है, हाँ मैसेज, जो वो स्ट्रगल, आदमी ये सोचता है कि शायद हमारी ही जिंदगी में स्ट्रगल है, लेकिन वो भूल रहा है, भगवान ने सभी को स्ट्रगल दिया। यदि आप किसी की भी लाइफ को देखो तो आपको हर एक की लाइफ में स्ट्रगल मिलेगा। ऐसा नहीं, आदमी कभी कभार अपने से आपसे परेशान हो जाता है, यार मैं तो इंसान बेकार में बन गया, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है, यदि आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो सर्वाइव कैसे करोगे, राइट। तो ये भी जीने के लिए सर्वाइवल का आप एक वो दे रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं कि जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, राइट। और मैं ये देख रहा हूँ जो आपने इनमें जो सवार हैं उसके घुड़सवार, घुड़सवार तो नहीं बोलेंगे, वो एक बग्गी टाइप की बनी है जो फ्रांस में होगी, और उनकी ड्रेस भी वो विक्टोरियन एरा की दी है आपने, बिल्कुल वैसी ही आजकल भी पहन रहे हैं वो, मतलब 2021 में। जी जी, ये 18 सेंचुरी का है, तब से चलता आ रहा है सेम ड्रेस, वैसे इनकी, राइट, इनका एक अलग अलग पहचान है, जैसे यहाँ खच्चर की एक अलग पहचान है वैसे वहाँ की है, राइट। तो इसे हम बग्गी बोल सकते, बग्गी बोल सकते हैं। तो एक मैं पेंटिंग इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा, एक सेकंड, इसके बारे में बता रहे हैं। हाँ जी सर, हमने ताजमहल के बारे में सुना, बहुत सुना, लेकिन अब तक जाना नहीं हुआ। वो अमृता प्रीतम जो थी ना, हाँ जी, उनको सालों पहले तो साहिर लुधियानवी, जिन्होंने एक कविता लिखी थी कि ताजमहल जो है वो मोहब्बत का नगमा कैसे हो सकता है, उनकी मैंने नज़म पढ़ी, वो मुझे मतलब याद नहीं, लेकिन मैं यदि याद होते तो सुनाता। तो इसमें क्या मैसेज है, वो ताजमहल के बारे में लिख रहे थे हमारे साहब लुधियानवी जी, तो उनकी जो लिखत हमारी अमृता प्रीतम ने जब रीड की, तो रीड करने के बाद उसके मन में आया कि इस आर्टिस्ट ने बिल्कुल ठीक लिखा कि ये जो ताजमहल है मोहब्बत का नगमा तो है ही नहीं। जब उसकी हिस्ट्री मुझे मालूम पड़ी या उसे मालूम थी, तो वो आप कंपेयर करोगे कि एक मोहब्बत को नया रूप देने के लिए दूसरी मोहब्बत को ख़त्म कर दिया। तो इसलिए मैंने इसका टाइटल ये रखा कि ताजमहल नंबर एक, राइट। तो अच्छा, इसके बारे में अब बात करेंगे, कंपेयर किया मैंने दोनों को। ये एक तवायफ का कोठा है फगवाड़ा में, इसे मुंशी की कोठी बोलते हैं। जब मैं फगवाड़ा से गुजर रहा था, मेरा दोस्त उत्तम प्रीत, वो मेरे काफ़ी क्लोज है उत्तम प्रीत सिंह, तो अभी वो थोड़ा डॉक्टर है तो उसकी वजह से अभी यहाँ नहीं आ पाया। मैं और दोनों जा रहे हैं, तो मुझे ये बिल्डिंग ने बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने सोचा यार मैं तो फ्रांस में बेकार में काम करता रहा, यहाँ का आर्किटेक्ट तो उससे भी ज़्यादा अच्छा, देखने में मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैंने उसको बोला कि भैया आपका घर है पास में, तो बोला हाँ ठीक है। तो मैंने कहा ब्रश ले आओ सब कुछ। तो इसकी जब मुझे हिस्ट्री पता चली कि ये पेंटिंग जो ये जो बिल्डिंग बनी है एक तवायफ ने बनाई थी, एक लड़का बाजार से गुजरता था तो वो लड़का तवायफ को पसंद आ गया, तवायफ ने उसको ऊपर बुलाया,
बुलाकर बोला कि आप मुझे पसंद हो, मैं आपको चाहती हूँ, तो बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकूँ। उसने मजाक में ये बोल दिया कि क्या आप मुझे ये कोठा दे सकती हैं। अच्छा, तो उसने ये उसको गिफ्ट कर दी थी। आप वो तवायफ का काम छोड़ कर चली ही गई उसको देख के। हाँ, ये मुबारकबाद थी, उसकी मोहब्बत थी कि उसने अपनी इतनी प्रॉपर्टी उसके नाम लिखी।